हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हनी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं क्यूट वाशी टेप्स, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, वाशी टेप बनाने के लिए मैंने लिया है व्हाइट पेपर। उसके बाद मार्क कर लीजिए आपको जो भी साइज चाहिए, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एक्सेट्रा, अकॉर्डिंग टू आप जो साइज का बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद मार्किंग होने के बाद हम उसमें अपना खुद का कुछ पैटर्न ड्रॉ करेंगे। रैंडमली मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉ किया है, जैसा कि कुछ फ्रूट्स है, कार्टून्स है। तो अब आता है हमारा फेवरेट पार्ट, कलरिंग। तो ये कलरिंग पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सब कुछ रेडी है यार। सबसे बोरिंग काम तो इसमें ड्राइंग करना है, ड्राइंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, उसके बाद कलरिंग तो बहुत फटाफट से हो जाता है। सो फ्रेंड्स, वाशी टेप बनाने के कई सारी मेथड है। फर्स्ट मेथड है, वाइट पेपर पर आप कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर लीजिए और पीछे की साइड डबल साइड टेप बनाकर आप अपना वाशी टेप बना सकते हैं। और दूसरा है, डायरेक्टली आप स्टिकर पेपर पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। स्टिकर पेपर पर ड्रॉ करके आप कटिंग कर ले सकते हैं स्ट्रिप, वो हो गया। और आप OHP शीट पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, OHP शीट पर और ब्लैक पेपर पर। OHP एंड ब्लैक पेपर पर आपको ड्रॉ करने के लिए चाहिए एक्रेलिक मार्कर या ऑयल बेस्ड मार्कर, क्योंकि अपने ये नॉर्मल वाले स्केच पेन पर नहीं चलेंगे। यहाँ मैं नॉर्मल वाले स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ, और उसके लिए थोड़ा सा शाइनी वाला इफेक्ट देने के लिए ग्लिटर का इस्तेमाल किया है, थोड़ा बहुत हाईलाइट किया है ग्लिटर के लिए। अगर आप ड्राइंग करना नहीं चाहते, आपकी ड्राइंग मेरे जैसी ख़राब है, तो आप लोग डायरेक्टली कलर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। कलरफुल पेपर्स आते हैं ना, उसकी भी जस्ट आप स्ट्रिप कट कर लीजिए, आपके वॉशी टेप, रेमबो वॉशी टेप रेडी। सो फ्रेंड्स, ड्राइंग कम्प्लीट होने के बाद हम इस पर लैमिनेशन का लुक देने के लिए क्लियर टेप यूज़ करेंगे, जो सेलो टेप आता है। अगर आप लैमिनेशन नहीं करना चाह रहे हैं, अगर आप पैटर्न पर कुछ लिखना है आपको जर्नलिंग के लिए, तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप लैमिनेशन करोगे तो आपको मार्कर यूज़ करना पड़ेगा परमानेंट, क्योंकि नॉर्मल स्केच पेन तो उस पर काम नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप ग्लॉसी लुक देना चाह रहे हैं तो आप फिर इसको सेलो टेप से लैमिनेट कर लीजिए, नहीं तो फिर उसके सरफेस ऐसे ही छोड़ दीजिए मैट फिनिशिंग, ताकि आप उस पर कौन से भी कोई भी पेन से आप लिख सकें उसको। तो फ्रेंड्स, एक शीट रेडी होने के बाद आप इसका कलर ज़ेरॉक्स रख लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में यूज़ करने के लिए आसान हो जाए, क्योंकि सेम प्रोजेक्ट सेम ड्राइंग फिर हम ड्रॉ नहीं कर सकते। इसीलिए आप एक रिकॉर्ड रख लीजिए, ताकि आप अपने कोई भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाएँ। अब मैं ये पैटर्न बना रहा हूँ ग्लिटर पेन से, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ये इस पैटर्न में ग्लिटर पेन यूज़ किया है। वाओ, क्यूट। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ पेंट मार्कर। अब पेंट मार्कर की मदद से हम रैंडमली लाइन ड्रॉ करेंगे। पेंट मार्कर या एक्रेलिक मार्कर यूज़ करने के लिए आपको उसको अच्छी तरह शेक करना होगा फर्स्ट टाइम, उसके बाद थोड़ा प्रेस करना होगा ताकि उसकी गैस रिलीज हो जाए। जब तक प्रेस करना है आपको, जब तक कि उसकी टिप पर उसका कलर विजिबल ना हो। अगर टिप कलरफुल हो गई तो समझ आना कि ये रेडी टू यूज़ है। तो चलिए, पेंट मार्कर भी यूज़ कर लिया है हमने। सो फ्रेंड्स, वाइट पेपर पर आप एक्रेलिक पेंट या वाटर कलर पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। वाटर कलर पेंट से आप लाइट बैकग्राउंड्स क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद आप कोई भी मार्कर से कोई या डार्क पेंट ब्रश से आप अपना पैटर्न क्रिएट करिए। कई मेथड है फ्रेंड्स बनाने के, अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। सो इट्स डन, ये हो गई हमारी ड्राइंग रेडी। देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, हमारी ड्राइंग शीट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे करते हैं लैमिनेशन एंड कटिंग। तो जैसा कि मैंने बोला था कि लैमिनेशन के लिए हम यूज़ करेंगे क्लियर टेप, सेलो टेप। और सेलो टेप की मदद से आप इसे लैमिनेट कर लीजिए। लैमिनेशन होने के बाद इसकी हम करते हैं कटिंग। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी शीट रेडी, देख सकते हैं आप, ये ग्लॉसी फिनिश है। हम करते हैं इसकी कटिंग। कटिंग करने के लिए आपके पास अगर कटिंग बोर्ड नहीं है, रोटरी कटर नहीं है, तो आप नॉर्मली जो ब्लेड है ना, जो कटर आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं रोलर रखकर, रोलर की मदद से। ये देखिए, प्यारा प्यारा सा टेप रेडी। सो हम ये शीट कट करने के बाद इसके पीछे डबल साइड टेप लगाएंगे। डबल साइड टेप लगाने के बाद हम इसे लगाएंगे टेप के रिंग में। वाओ, ये वो है जो हमने पेंट मार्कर की मदद से बनाया था, ये बहुत अमेजिंग सा लग रहा है। और ये है हमारा वाटरमेलन, वाओ, रेड रेड, मुँह में पानी आ रहा देखकर। और ये है आई लव यू, और ये है हमारा कार्टून वाला बेयर वाला कैरेक्टर। सो फ्रेंड्स, अगर ये टेपरिंग नहीं है आपके पास, तो आप अपने खुद का बना सकते हैं। जो आपने रिंग बनाया, जो आपने टेप यूज़ किया है, उसका जो वेस्ट रिंग रहता है प्लास्टिक का, उसे फेंकिए मत, क्योंकि उसको आप अपने कस्टमाइज वाशी टेप के लिए यूज़ कर सकते हैं। या नहीं तो फिर आप कोई भी कार्डबोर्ड को कट कर उसके स्ट्रिप बनाकर उसको सिलेंड्रिकल शेप बना लीजिए, ऐसा जो प्लास्टिक शेप है उसके ऊपर लगा देंगे, ताकि सिलेंडर वाला लुक आ जाए और वो बेंड हो जाए आसानी से,
एक बार बेंड होने के बाद हम सेलो टिप से हम इस रिंग को क्लोज कर देंगे ताकि हमारा जो रिंग है ना वो रेडी हो जाए। अगर आपके पास ये रिंग भी नहीं है तो आप टिशू रोल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर टिशू रोल नहीं है तो फिर आप यही मेथड यूज़ करिए, कार्डबोर्ड से अपना खुद का क्रिएट कर लीजिए। अब ये जो हमारा वाशी टेप है, वाशी टेप के स्ट्रिप के पीछे हम लगाएंगे डबल साइड टेप। डबल साइड टेप लगाने के बाद हम इसे कट कर देंगे एज, ताकि थोड़ा नीट लगे, जो भी एक्सेस जो टेप था वो चला जाएगा। अब इसको हम लगाते हैं अपने रिंग पर, जो टेप रिंग हमने बनाई थी इसके साइज़ के अकॉर्डिंगली, जो 2 सेंटी है या 1 सेंटी है आप वो मेजर कर लीजिए, उसके हिसाब से फिर आपको टेप का रिंग भी बनाना होगा। टेप रिंग के लिए भी आप सेम रूलर की मदद से आप एक शीट पर सेम प्रोसीजर जो आपने टेप के लिए, वाशी टेप के लिए यूज़ किया था, वही इसी के लिए अप्लाई होता है। आप पहले मार्क कर लेंगे, मार्किंग के बाद आपको कट करना होगा स्ट्रिप। स्ट्रिप कट करने के बाद उसे जो प्लास्टिक के रिंग पे है ना उसे ऐसा रैप कर लीजिए, फोल्ड होने के बाद वो सिलेंडर का शेप हो जाएगा। उसके बाद वाशी टेप को हम स्टार्टिंग में और एंड में क्लियर टेप से क्लोज कर देंगे। अब हमारे वाशी टेप को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें चाहिए कुछ सिलेंडर, तो बनाने के लिए टिश्यू रोल यूज़ कर सकते हैं हम। हमारे पास टिश्यू रोल अगर नहीं है तो हम अपने खुद का सिलेंडर बना लेंगे, हम उसमें ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो बनाइए फ्रेंड्स अपने खुद के वाशी टेप्स, क्योंकि मार्केट में कई तरह के टेप मिलते हैं बट हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता, तो हम अपने खुद का पैटर्न डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने हिसाब से बना सकते हैं। राइट हानिया? राइट पापा। तो फ्रेंड्स, घर में वाशी टेप्स बनाने का ये फ़ायदा है कि आप अपने खुद के पैटर्न यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कितने क्यूट सी वाशी टेप्स हैं। आप ऐसे वाशी टेप्स अपने घर में बनाकर आपके प्रोजेक्ट्स में या फिर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वाइट पेपर, स्टिकर पेपर, OHP शीट, कलरफुल पेपर आप किसी से भी बना सकते हैं। ये है OHP शीट और ये है ब्लैक शीट। मैंने ब्लैक शीट यूज़ कर कुछ पैटर्न बनाए हैं, आप देख सकते हैं। ये कलरफुल पेपर्स, कलरफुल पेपर यूज़ करके मैंने मार्कर से, हाइलाइटर से कुछ लाइट रैंडमली पैटर्न ड्रॉ किए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।